राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में फरवरी में हुए दंगों पर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। और अपनी इस रिपोर्ट में एमएनएसटी ने गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा फोन पर मदद मांगने वालों को इनकार करना, दंगे न रोकने और उसमें शामिल होना, पीड़ितों को अस्पताल पहुंचने से रोकने और मुस्लिम समुदाय से मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हिरासत के दौरान यातनाएं देना, प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रही जगहों को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एमएनएसटी के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से मिले संरक्षण से सिर्फ यही संदेश गया कि कानून लागू करवाने वाले अधिकारी बिना किसी जवाबदेही के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर सकते हैं, मतलब वे खुद अपना कानून चला सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले संगठन ने दिल्ली पुलिस के जवाब का इंतजार किया, लेकिन एक हफ्ते तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली दंगों में 50 दंगा पीड़ित, मौके पर मौजूद लोग, वकील, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से बातचीत और लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई दंगा पीड़ितों ने यह दावा किया है कि जब दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया गया तो पहले तो किसी ने फोन नहीं उठाया, और अगर उठाया तो कहा कि आजादी चाहिए थी, अब ले लो आजादी। एमएनएसटी की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा 5 नौजवानों को जूते से मारने का एक वीडियो और उसमें एक मां की बातचीत भी शामिल है। युवक की मां ने दावा किया है कि उनके बेटे को 36 घंटे तक जेल में रखा गया, जहां से लौटकर आने के बाद युवक की मौत हो गई। मां ने दावा किया कि उनके बेटे की हिरासत से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद युवक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। संगठन की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने, कुछ मामलों में पत्थरबाजी तक में शामिल होने और पीड़ितों को अस्पताल तक पहुँचने से रोकने की जानकारी भी शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक दंगा पीड़ित के भाई से भी बातचीत की, जिसने पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अपनी दोनों आँखें खो दी थी। जारी इस रिपोर्ट के अनुसार नाम न छापने की शर्त पर एमएनएससी इंटरनेशनल इंडिया से बात करने वाले एक वकील ने कहा कि हमने पुलिस से कुछ वीडियो शेयर किए जिसमें दंगाइयों को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वालों में से अधिकांश मुस्लिम है। वकील ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार हमें मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम वकील के तौर पर असहाय हैं। जब पुलिस इस तरह एक समुदाय को निशाना बनाती है तो समुदायों के बीच का आपसी विश्वास टूट जाता है। इस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय से करीब 8 सिफारिशें भी की गई हैं। इसी के साथ मंत्रालय से दंगों की निष्पक्ष जांच, पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज करना और दोषी अफसरों को निलंबित करना और पुलिस ढांचे में बदलाव करने की भी बात कही गई है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।